हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमरन। दोस्तों, बेबी सनरोज़ बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में बहुत सुंदर फूल देता है, और हैंगिंग बास्केट में लगे हों तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ग्राउंड कवर करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी खाली जगह है जहाँ पे आप परमानेंट अपने ग्राउंड को कवर करना चाहते हैं, तो ये बेबी सनरोज़ का पौधा सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही मन को लुभा जाती है, हर किसी को पसंद आ जाता है, और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये छोटे से बॉटल में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी जो इतने सुंदर खूबसूरत फूल आपके सामने दिख रहा है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है कटिंग जो मैंने मदर प्लांट से लेकर ही लगाए हुए हैं। दोस्तों, ये मेरा प्लांट सॉरी ये मेरा पॉट बहुत ही बड़ा है, तो इस पॉट को पूरा मैं कवर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसमें अलग से कटिंग भी लगा लिया था यहीं से निकाल कर। ये है मेरा मदर प्लांट। मदर प्लांट इसीलिए इतनी शाइनिंग है हो रही है क्योंकि इसमें मैंने गोबर खाद बनाकर उसका लिक्विड बनाकर मैंने अपने इस प्लांट में दिया था। ये जो कटिंग है साइड में जो दिख रही है, कटिंग में मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, तो कटिंग में फ्लावर बहुत जल्दी आ गए हैं, मदर प्लांट में भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें सीड भी आते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, आप सीड भी चुन सकते हैं इसमें से। और जैसे ही आपका प्लांट मैच्योर होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें सीड बनते हैं। तो अगर आपने ग्राउंड कवर करना है या हैंगिंग बास्केट में कोई ऐसा पौधा लगाना है जो चारों तरफ से लटके और बहुत ही खूबसूरत लगे, तो दोस्तों ये पौधा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रेकमेंड करती हूँ मैं इस प्लांट को, बेबी सनरोज़ को। कुछ ही दिनों में ये मेरा पूरा पूरा का पूरा ये गमला कवर हो जाएगा। मैं फिर से आपको इसका वीडियो दिखाऊँगी। और दोस्तों देखिए, इस तरफ मेरे कुछ सीड पॉड हैं। पौधा मैच्योर होने के बाद में उसमें सीड आते हैं, और इन सभी में अभी सीड भरे हुए हैं, तो मैंने सीड अभी इसमें से निकाले नहीं थे। तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, हमारे इस प्लांट को पानी आप इसे रोज़ दें अपने इस प्लांट में, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ना खाद ना पानी, तो अपनी सोच समझ से उसी तरह से पानी दें और खाद दें। खाद इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है, मैंने तो पहले ही बार गोबर खाद बनाकर डाला था, वो भी सिर्फ मदर प्लांट में। तो दोस्तों, कटिंग आप हाँ, तो ये भी मेरा कटिंग ही है जो मैंने एक अलग से पॉट में लगा रखा था जिसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। ये इसकी छोटी छोटी कलियाँ हैं। तो ये है सीड, देखिए मैं आपको इसका सीड निकाल कर बताती हूँ। जब भी आपको सीड दिखे इस तरह से, चलिए अगर आपके पास प्लांट होगा तब तो आपको एक्सपीरियंस होगा ही, तो ना भी होगा तो कोई बात नहीं है, मैं इस सीड की भी एक वीडियो आपके साथ बनाकर आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर ही छोटे छोटे इसकी सीड्स हैं, सीड से भी ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्लांट मिलता है कहीं पे भी तो आप इसकी कटिंग एक लगाइए, बहुत ही जल्दी ये फ्लावरिंग पे आते हैं। तो दोस्तों, ये है, ये गर्मियों का प्लांट है, बहुत खूबसूरत इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, पीले आते हैं और वाइट कलर में, रेड में और मरून में। तो मैं इसकी एक कटिंग आपको लगाकर अभी दिखाती हूँ। तो करना क्या है दोस्तों, इस तरह से आप एक ब्रांच ले लें, 3 इंच का या 3.5 इंच तक का आप ब्रांच लेकर उसे नोड एरिया से तोड़ लें या पिंच कर लें। तो दोस्तों, इसे आप थोड़ी सी मिट्टी में, अगर आपके गमले में कहीं पे भी कोई खाली जगह है वहाँ पे लगा ले, कहीं पे भी लगा ले। मैंने ये छोटा सा गमला अभी आपको दिखाने के लिए लिया है। मिट्टी को मैंने पहले ही गीला रखा है, अगर बाद में पानी डालूँगी तो हो सकता है पानी के बहाव से ये मेरा कटिंग हिल जाएगा और इसकी रूटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, ये मैंने बिल्कुल ही प्लेन सॉइल साधारण मिट्टी ली है। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि मिट्टी साधारण ही लें, शुरुआत में खाद कोई भी ना लें। इससे क्या होता है कि कई बार हमारी कटिंग जो है वो जल भी जाते हैं। इसे लगाने के बाद अपने शेडी एरिया में रखें, छांव में रखें 2-4 दिन तक, और पानी अपने हिसाब से ही दें। उसके बाद जैसे ही इसमें रूटिंग आ जाए आप इसे कहीं पर भी शिफ्ट कर लें। तो
दोस्तों फिर ये थी मेरी आज की बेबी सनरोज़ पर वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी फिर से। बाय बाय, टेक केयर और